दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सैमसंग S02 को किस तरह से जो है आप अनलॉक कर सकते हैं अनलॉक टूल से और बहुत ही आसानी से वन क्लिक में। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको अनलॉक करना है। सबसे पहले आपको टेस्टिंग पॉइंट पर क्लिक करना है। टेस्टिंग पॉइंट में आपको जो यहाँ पे इसका जो है टेस्टिंग पॉइंट देखना है आपको, तो यहाँ पे आपको सैमसंग पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे आप सैमसंग पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे A02 है तो ये A02 को आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे A02 को क्लिक करेंगे तो उसका जो टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर दिखा देगा कि उसका टेस्टिंग पॉइंट किस जगह पर है, कहाँ पर है। ठीक है, तो आप सामने यहाँ पे देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे जो घेरा हुआ है रेड कलर में। ठीक है, तो इस जगह पे आपको जो है चिमटी से जो है आपको टच करके रखना होगा और बैटरी कनेक्टर जो है बिल्कुल आपको रिमूव कर देना होगा पहले। ठीक है, बैटरी कनेक्टर रिमूव कर दें और उसके बाद चिमटी से टच करके रखें। उसके बाद जब टूल में आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद में आपको केबल लगाना है। ठीक है, तो पहले टूल में स्टार्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे चिमटी से शॉर्ट करना है इसको और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको केबल लगाना है, मोबाइल आसानी से बूट कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आपको वहाँ पे जो है टूल में करना है। तो टेस्टिंग पॉइंट आपने देख लिया और चलिए आपको दिखाते हैं आप टूल में कैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, किस तरह से सबको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सैमसंग टूल को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए सैमसंग टूल को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको मॉडल नंबर जो है लिखना होगा। ठीक है, तो सैमसंग A02 है तो A02 यहाँ पे लिख देंगे। जैसे A02 टाइप करेंगे यहाँ पे जो है नीचे में आ चुका है मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये टेस्टिंग पॉइंट के जरिए से होगा ये मोबाइल, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे हम। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ऑप्शन में आ जाएगा। देखिए डबल क्लिक मैंने किया, चला गया टेस्टिंग पॉइंट बी रूम में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे है FRP। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक पहले करना है आपको। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। अब बाद में आपको जो है बैटरी कनेक्टर मोबाइल का निकाल देना है, उसके बाद जो है टेस्टिंग पॉइंट से शॉर्ट करके रखना है और अंत में आपको केबल लगाना है, USB डाटा केबल आपको कनेक्ट करना है मोबाइल से। और जैसे मोबाइल में डाटा केबल कनेक्ट करोगे मोबाइल ऑटोमेटिकली बूट कर जाएगा और FRP जो है बहुत ही आसानी से अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो दूसरा चैनल है जो मन्नान सॉफ्टवेयर के नाम से मैंने दूसरा चैनल बनाया है। ठीक है, उस चैनल पर भी आप जाकर के जो है देख सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो उस चैनल का जो लिंक है वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ये वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा।